वेल सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना। सो गाइस, तो ये मेरा यूट्यूब पर पहला लॉन्ग वीडियो होने वाला है, तो इसमें जो भी मैं गलती करूं तो सब लोग उन्हें नोटिस करके मेरे को जरूर से बताना। और आज के वीडियो में हम लोग फ्री फायर की कुछ ऐसी अननोन थिंग्स और अननोन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप लोग फ्री फायर गेम में हर रोज देखते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने उसे कभी भी नोटिस नहीं किया होगा? कुछ ऐसी भूतिया शक्ल या फिर पेंटिंग्स बोल सकते, भाई अजीब अजीब सी चीज़ें मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ, और उन सब चीज़ों को आप लोग देख कर मेरे को बताना आखिरकार ये चीज़ें क्या थी, क्यों बनाई गई, फ्री फायर में आकर ये क्यों दी जाती है। सो आप लोग का टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अननोन थिंग नंबर वन, सो गाइस ये वाली जगह आप लोगों ने गेम में कभी ना कभी तो देखी होगी, लेकिन इस जगह पे जो ये एलियन जैसा फेस बना हुआ है, लिटरली ये तो मेरे को एलियन जैसा ही फेस लग रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है आप लोग मेरे को कमेंट में जरूर से बता सकते हो। सो गाइस ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस ये बड़ा अजीब सा फेस है, पता नहीं किस चीज का फेस है, बट मेरे को तो एलियन ही लग रहा है। अननोन थिंग नंबर टू, सो गाइस आप लोगों ने हमारे पीक के पास में ये वाली हवेली तो देखी होगी, यानी कि इसको आप लोग स्कूल या हवेली बोलते हैं, तो इसके पास एक डब्बा होता है, इस डब्बे के अंदर जाकर हम लोग छुप भी सकते हैं, यानी कि इसके अंदर जाकर हम लोग बैठ सकते हैं। लेकिन ऐसी ही सेम प्लेस हवेली एक और पोचिनोक के पास भी होती है, लिटरली यहाँ पे जाकर भाई डब्बा गायब हो जाता है। भाई कौन सा नशा फूकते हैं भाई गरीने वाले, यहाँ पे डब्बा लिटरली गायब हो जाता है भाई। और ऐसा सीन भाई मैंने तो आज तक फिर मैंने कभी देखा नहीं भाई, ये बड़ी अजीब सीन है, आप लोगों ने इस चीज नोटिस किया नहीं कमेंट में बताना। अननोन थिंग्स नंबर थ्री, सो गाइस आप लोगों ने हमारे हैंगर के साइड और हमारा जो भीमा शक्ति के पास में एक ओवरब्रिज टाइप का होता है, हमारे यहाँ पर उसको पुल बोलते हैं, जैसे वो जो ओवरब्रिज टाइप का होता है उस पर एक अलग से भाई पेंटिंग जैसी कुछ मतलब अलग से शक्ल बनाई गई है, मतलब कुछ अजीब सी शक्ल आप लोग जैसे कि वीडियो क्लिप में देख रहे हो भाई, ये अजीब सी शक्ल बनाई गई, पता नहीं ये क्यों बनाई गई, इसका रीजन क्या है, और आप लोग को शायद से इसका रीजन पता हो किसी को तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। ये वाली फेस बड़ा अजीब सा है भाई, इसे देखकर मैं तो एक बार मैं डर जाता हूँ भाई, कसम से मेरे को डर लग जाता है ऐसी छोटी छोटी चीजें देखकर, वो गेम में लिटरली मेरे को तो डर लग ही जाता है यार। अननोन थिंग्स नंबर फोर, सो गाइस मैं आप लोग को कहूँ कि यार आप लोग हवा में ग्लूबल लगा सकते हो, तो आप लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे कि भाई हवा में ग्लूबल कौन और कैसे लगा सकता है, भाई हम लोग हैकर थोड़ी ना है जो हवा में ग्लूबल लगा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि भाई हवा में ग्लूबल कैसे लगा सकते हैं। आप लोगों ने हमारे गेम में फ्लैश बैंक तो देखा ही होगा, ठीक है, ये जो उससे हम लोग धुआं धुआं कर देते हैं वो वाले फ्लैश बैंक का यूज करके आप लोग कहीं पर भी धुआं करके उसके ऊपर लिटरली ग्लूबल लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हो, लिटरली आप धुएं के ऊपर ग्लूबल लगा सकते हो, फ्लैश बैंक का यूज करके धुएं के ऊपर ग्लूबल लगा सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।